हम लोग बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट बस आने ही वाला है, सब लोग भूखे हैं अभी। खा पी करके फिर सोलांग, सोलांग से वादियाँ, अटल टनल। पराठे हमारे आ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं भूखे शेर की तरह सभी लोग। देख लीजिए शेर तो वही, हम लोग आदमी हैं भाई, हम लोग शेर वेर नहीं है, शेर यही है, हम लोग इंसान है, वो आदमी हैवान है। फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, ब्रेकफास्ट बहुत हेवी हो चुका है, अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। सो फाइनली ये देखिए सब लोग अपने अपने बाइक से रेडी हैं, तो ठीक है चलते हैं भाई लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सब लोग हेलमेट वेलमेट पहन लिए, सेफ्टी का हम लोग पूरा अपना ख्याल रख रहे हैं। ये हमारा होटल था जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया, सो वी आर ऑल सेट टू गो। फाइनली हम लोग अटल टनल के अंदर हैं अभी, बहुत अटल टनल मैन, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे सबको आ रहा है कि एक बार खुद से बाइक राइड करके आप लोग आओ, इसका मजा लो, बहुत मजा आएगा।
करना है तो, क्योंकि ये थोड़ा एक एक्सीडेंट प्रोन जोन है और अगर मिलिट्री वाले अलाउ करते सबको वहाँ पर रुकने के लिए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मे बी जाम रहे या कुछ भी। सो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे रुक करके एक अपना फोटो सेशन सभी का हो रहा है। बहुत अच्छा नेचर है यहाँ पे, व्हाट अ ब्यूटी, यू कैन सी माउंटेन्स, रिवर। देखिए सब लोग अभी बैठ करके नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट लाहौल से 20 किलोमीटर पहले हैं। ये एक चाय ब्रेक है। अच्छे नहीं है, कुछ कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको, पर इसी का तो मज़ा है। ये देखो कोई नदी है यहाँ पे, पूरे शो में बह रही है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई धान बनने वाला है, ब्रिज बनने वाला है। जैसा ब्रिज का हालत है उसको देखकर तो लग रहा है कोई ब्रिज ही बनने वाला है। अभी हम लोग किलोंग पहुँचे हैं, तो बेसिकली ये मेरा एक शौक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का एक पोस्ट कार्ड लेकर के अपने घर पूरे करता हूँ, कलेक्शन बना रहा हूँ एक छोटा सा कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। तो अब मेरे को सामने आप पोस्ट ऑफिस दिख गया, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टाफ प्रेजेंट थे उन्होंने मेरी मदद की। पोस्ट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं था,
पर फिर भी मुझे एक स्टैम्प कीलोंग का स्टैम्प और एक ऑनवेलप वो दे रहे हैं जिसको मैं यहाँ से एज अ मेमोरी कुरियर करूँगा। इसमें आपको मोर लगा के देंगे, है ना? किलोंग का मार्केट है और हमने यहीं से अपने घरों पे एक पोस्ट कार्ड भेजा है एज अ मेमोरी, जैसे आपने देखा। और हम लोग यहाँ से दारचा के लिए निकल रहे हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा, वहाँ से हम लोग वापस मनाली के लिए निकलेंगे। अब देखते हैं, वो शायद मैप में 40 या 30 किलोमीटर शो कर रहा है कुछ। लोकल से पूछने बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पर आप जा सकते हो, कुछ अच्छा व्यू वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दारचा के लिए। हमारे दो बाइकर्स आ गए हैं, तेजी से ही है बारिश, पानी चले आ रही है, ऐसा कुछ भरोसा किया नहीं जा सकता। रोड तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कहीं कहीं पे बस प्रॉब्लम है, बाकी लगभग 99% रोड अच्छा है इधर। नीचे स्नो नहीं है पर पहाड़ों पे अभी भी काफ़ी बर्फ है।
किलोंग से जिस पर हार्डली 27 किलोमीटर से हम लोग बहुत अच्छे से आ रहे थे, बट आप देख सकते हैं एक लैंडस्लाइड हुआ है अभी, एक छोटा सा ही लैंडस्लाइड है, कुछ वैसा मैसिव नहीं था, तो अभी लोग क्लियर करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये अभी हुआ है, ये लोग कर रहे हैं, मे बी ये लोग बोल रहे 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा और फिर हम लोग जिस्पा के लिए निकल जाएंगे। हम लोग अभी जिस्पा से हार्डली 10-15 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली हम लोग अपने लास्ट पॉइंट जिस्पा पहुंच चुके हैं, अब वापस हम लोग मनाली निकलेंगे और इसके साथ आज के लिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।